लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अतिली, अतिली, कौन है पापा? ये अभी क्यों आई? हम दोनों चोर पुलिस खेलेंगे, किधर भी जाके छुप जाओ, मैं आके पकड़ूंगा तभी बाहर आना। हाय। ए, सुन 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 सुन। कौन है अंदर बताओ ना, कौन सी हीरोइन का फोटो लगाया है तुमने अंदर? हे, तुम मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हो ये सब मुझे पता है, तो शादी से पहले नहीं चलेगा। मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो इतनी छोटी सी बात पर? तुम दो दिन से दिखा नहीं इसलिए तुमसे मिलने चली आई, इतना भी नहीं समझते तुम? और तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? माय डार्लिंग, जा छिप जा छिप जा छिप जा। अतिली, चोर चोर चोर, ये चोर क्या? चोर चोर, वो जो तुम सेंट इस्तेमाल करती हो उसका नाम है चोर। सेंट की बात छोड़ो, कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा? उठो। उठोगी तो कोई भी देख लेगा, इसलिए लेटी रहो। चोर कहके तुम्हें ये सब करने की आदत पड़ गई है। माँ की कसम, पहली बार ऐसे केस में फंसाऊं कि उठो मत, प्लीज प्लीज। अच्छा चलेगा, बट ओनली थोड़ी देर। थोड़ी देर बस? चलो फिर बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे? वो होटल में जाए। होटल में? वो नहीं तो थिएटर बेटर रहेगा ना। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अतिली, दूर मत जाओ। नीरू, हम दोनों के लिए अच्छा रहे। क्या ढूंढ रहे हो? मामा, बातें नहीं, मैटर क्या है बताओ। इस बच्ची के बारे में कुछ पता चलना चाहिए, नहीं तो नीरू को पता चलेगा तो मेरी शादी की वाट लग जाएगी। अपनी बकवास बंद कर और चिल्ला मत, चल मदद कर। ये मेरी नहीं, उसके बाप की है, जो मेरी तरह दिखता है। पहले इसके बाप को ढूंढकर उसकी बच्ची से लौटाना है। किधर है, कैसे ढूंढेंगे? कहीं तो होगा ना। अपनी बेटी को यहाँ छोड़ा इसका मतलब वो मामूली आदमी नहीं है। मैं खुद को श्याना समझता था लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा श्याना निकला मामू। इस फोटो वाले आदमी को किधर देखा है क्या? क्या रे, नाटक कर रहा है? तेरे पीछे खड़ा है और मुझसे पूछ रहा है कहाँ है? पागल समझा? जाता है कि एक और आवाज निकालूं अभी? हाँ चल चल, जाता हूँ ना सर, जाता हूँ। अजीब आदमी है। पता नहीं क्यों भाग रहे, समझ में नहीं आ रहा। चलो अपना काम करते चलो। Thank you.
उस दिल डरपोक कहीं का बहरा। विक्रम राठौर सामने आप उस दिल। इधर भी नहीं है। अरे बच के कहां जाएगा, चलो आओ चलो। मिस्टर विक्रम, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। मैंने आपको कितनी बार बताया फिर भी आप समझते नहीं। आपको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है। पहले मीरा के हुए एक्सीडेंट में आपके ब्रेन में स्प्लिटर रह गया है। वो आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। जो गुब्बारे की तरह फूक गया है वो कहीं भी किसी भी समय फूट सकता है। करेक्ट बोलो तो आप अपने ब्रेन में एक अग्नि पर्वत लेकर घूम रहे हैं। प्लीज विक्रम, हॉस्पिटल को छोड़कर मत जाओ। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो समझिए मौत से खेलने के बराबर है।